औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खर्रल रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि अगर निकाह नामा रजिस्टर्ड ना करवाया हो तो फिर उसका हल क्या है, और ऐसी सूरत में बच्चों का बे फॉर्म कैसे बनवाया जाए। इससे कबल हम ये मौजूद ज़ेरे बहस ला चुके हैं कि निकाह नामा को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, और अगर निकाह नामा को रजिस्टर्ड ना करवाया जाए तो ये एक जुर्म है, उसकी सज़ा फैमिली लॉ में मौजूद है। लेकिन इंसान से कभी कभार कानूनी गलती सरजद हो जाती है जिसका खमियाजा बाद अज़ां भुगतना पड़ता है और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हालांकि जिस काम में दीन भी शामिल हो और कानून भी शामिल हो तो वो तो मजहबी और कानूनी फरीज़ा समझकर, सवाब समझकर सर अंजाम दिया जाता है, मगर बाज़ औक़ात शरई काम तो पूरा कर लिया जाता है लेकिन कानून के हवाले से गफलत बरत दी जाती है। ऐसी गफलत चाहे दानिस्ता हो, नादानिस्ता हो, शऊरी तौर पर हो या लाशऊरी तौर पर हो, जानबूझकर की जाए या अनजाने में हो जाए, अख्तियार से बाहर हो या बाअख्तियार होकर की जाए, इस कानूनी गलती का बहरहाल खमियाजा भुगतना पड़ता है। निकाह एक दीनी फरीज़ा है, सुन्नत रसूल है, लेकिन निकाह की रजिस्ट्रेशन एक कानूनी अमल है, वो भी ज़रूरी है। पाकिस्तान का कानून है कि अगर कोई निकाह किया जाए तो उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसके बावजूद भी कुछ लोग दानिस्ता तौर पर या हट धर्मी के तौर पर या ला इल्मी के तौर पर या किसी को धोखा देने की मकसद के तहत, या ये बावर करवाया जाता है कि शरई तौर पर निकाह हो गया है, इसकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाती। शरई तौर पर निकाह तो ठीक है, हो गया, लेकिन चूँकि हम सिविलाइजेशन में रहते हैं, मुल्क का कानून है कि इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। अगर कोई शख्स किसी गांव में रहता है या किसी मोहल्ले में रहता है और उसने कोई बाहर आना जाना नहीं है, उसके बच्चों ने भी बाहर आना जाना नहीं है, ना उनको कोई रिक्वायरमेंट, फिर तो ये शरई निकाह की हद तक बात ठीक है। लेकिन अगर गांव से बाहर भी जाना हो तो और मोहल्ले से बाहर जाना हो तो लोग पूछेंगे कि ये खातून जो जा रही है, या खातून से पूछेंगे कि ये जो मर्द जा रहा है ये आपका क्या लगता है, तो वो उसका जवाब होगा कि हम खामद और बीवी हैं, तो उसके लिए सबूत दरकार होगा। तो सबूत है निकाहनामा, उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बीवी ने खामद के मुताबिक अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो उसके लिए भी निकाहनामा ज़रूरी है। बच्चे पैदा हो गए, बच्चों ने दाखिला लेना है तो निकाहनामा ज़रूरी है, बेफाम बनवाने के लिए निकाहनामा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ती है और अचानक ज़रूरत पड़ती है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। ऐसी सूरत में रजिस्टर्ड निकाहनामा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन निकाहनामा तो सरे से रजिस्टर्ड ही नहीं होता, उसकी कोई बग़ैर रजिस्ट्रेशन के निकाहनामा की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर कुछ लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, रेट अंदराज के तौर पर करवाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन हम चूँकि यहाँ कानून के दाई हैं और कानून के मुताबिक बात करने की जसारत करते हैं, और किसी भी मामले का, किसी भी सूरत हाल का कानूनी हल पेश करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी सूरत में अदालत में बाकायदा एक दावा दायर किया जाता है। दावा आप ख़ुद भी कर सकते हैं और बजरिया वकील भी कर सकते हैं, और उसमें ये दरख्वास्त की जाती है कि निकाहनामा को रजिस्टर्ड करवाया जाए। अदालत अपने कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद और दस्तावीज़ात वगैरह चेक करने के बाद अगर पूरी हों तो यूनियन काउंसिल को हदायत देती है कि ये निकाहनामा रजिस्टर्ड किया जाए। अब जब निकाहनामा रजिस्टर्ड हो जाता है, बे फॉर्म भी बन जाता है, तो फिर खातून नादरा का शनाख्ती कार्ड भी बनवा सकती है। आपके तकरीबन तमाम मसाइल उस वक्त हल होंगे जब आपका निकाहनामा रजिस्टर्ड होगा। तो नुक्ता ये है कि निकाहनामा की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उम्मीद है ये मालूमात आपके इल्म में इजाफा करेंगी।